नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। दोस्तों, मैं फिर से आज आप सभी के लिए एक बड़ी ही रोचक कथा को लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई ये कथा अवश्य पसंद आएगी। आप सभी रामायण की कथा के बारे में तो अवश्य ही जानते होंगे। सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था, पर क्या आप जानते हैं माता सीता भस्म कर सकती थी रावण को, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया? माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वह श्री राम की ही तरह शक्तिशाली हैं। वह चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वह चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी प्रकार से वध कर सकती थी, लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और अपने परिवार के लोगों के लिए खीर बनाई और उन्होंने राजा दशरथ सहित सभी को वह खीर परोसी। जब वह खीर परोस रही थी उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकालें यह बड़ी दुविधा की बात थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका यह चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी माता है। उनके इस चमत्कार को देखकर वह थोड़े भयभीत भी हो गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया था तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकते थे, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं कहती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कथा पसंद आई होगी और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सनातन ज्ञान मंथन में। धन्यवाद दोस्तों।